हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू उज्ज्वलो क्लासेस। आज मैं आपको रोबरी यानी कि लूट के बारे में बताऊंगा, उसके आवश्यक तत्वों के बारे में और वे कैसे क्या नाम ये कुछ उसमें उदाहरण दूंगा। देखो धारा 390 में लूट को परिभाषित किया गया है। धारा 390 का पारा एक कहता है कि प्रत्येक लूट में चोरी या उद्धापन होता है, यानी कि लूट में जो है चोरी या उद्धापन होना आवश्यक है, तभी वह लूट में सर्जन होता है। लूट जो है चोरी और उद्धापन का गंभीर रूप है, जिसमें कि चोरी में तो आपने चोरी कर ली, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी को क्षति नहीं पहुंचाई, कोई तत्काल भय उत्पन्न नहीं किया, मृत्यु क्षति या अवरोध का कोई कार्य नहीं किया। लेकिन यहाँ पर जो अभियुक्त द्वारा दूसरे व्यक्ति के मन पर जो भय का असर दिखाया जाता है और तत्काल मृत्यु, तत्काल उपति या तत्काल संतोष अवरोध का भय दिखाकर संपत्ति प्राप्त की जाती है, तब वह लूट में परिवर्तित होता है। तो चोरी कब लूट है इसके बारे में बताऊंगा और उद्यापन कब लूट है इसके बारे में परिभाषा और आवश्यक तत्व और महत्वपूर्ण उदाहरण या दृष्टांत इसके बारे में बताऊंगा। देखो चोरी लूट है। यदि उस चोरी को करने के लिए, यानी कि अभियुक्त चोरी करने के लिए या चोरी करने में जब वो चोरी कर रहा या चोरी द्वारा अभी प्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयत्न करने में, ये चार चीजें पहले होने आवश्यक है। यानी कि चोरी करने के लिए या चोरी करने में या चोरी द्वारा प्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने में का प्रयास करने में अपराधी स्वेच्छा से अपराधी उस उद्देश्य से स्वेच्छा से मृत्यु उपेति अवरोध या तत्काल मृत्यु तत्काल उपेति तत्काल सदोष अवरोध का भय कारित करता है या उसको भय कारित करने का प्रयत्न करता है तो वह जे लूट करता है। तो इस प्रकार से यानी के धारा 390 के पैरा 2 में चोरी तभी लूट होती है जबकि उसमें अपराधी उस उद्देश्य से दूसरे व्यक्ति के तत्काल उपति तत्काल मृत्यु तत्काल सदोष अवरोध का भय कारित करता है। वो कब करता है? जबकि चोरी करने के लिए या चोरी करने में या चोरी द्वारा अपराध संपत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयत्न करने में जब ये कार्य किए जाते हैं तो वह चोरी लूट में कन्वर्टेड हो जाती है, यानी कि अपराधी जो है यहाँ लूट करता है। जैसे कि अभियुक्त ने एक दूसरे व्यक्ति का पर्स चुराने के आशय से उसको दबोच लिया और दबोचने के पश्चात जो उसकी पैंट से की जेब से पर्स निकाल लिया, तो यहां पर अभियुक्त ने उस दूसरे व्यक्ति को चोरी करने के आशय से यानी कि उसकी जेब से पर्स निकालने के लिए उसको अवरोधित कर दिया। तो अवरोधित कर दिया तो क्या हुआ, यानी कि यहां पर अभियुक्त ने लूट का अपराध कारित किया है। इसी प्रकार से उद्यापन लूट है, ये पैरल 390 के पैरा 2 बताया गया है। उद्यापन लूट है यदि अपराधी वह उद्यापन करते समय भय में डाले गए कि उपस्थिति में है, नंबर एक चीज है, या उपस्थिति बहुत ही आवश्यक होती है। अगर उपस्थित नहीं है, दूरी है बहुत ज्यादा, तो लूट का अपराध नहीं होता। यहां पर उपस्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रेजेंस, वही के वही, और
उस व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति को, तत्काल मृत्यु, तत्काल उपपत्ति, तत्काल सदोष अवरोध का भय उत्पन्न करता है, भय में डालकर वह उद्दीपन करता है और इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को उसी समय और वहीं पर चीज प्रदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करता है तो वह उद्यापन द्वारा लोड करता है। तो यहां पर जो है सबसे बड़ी बात यह है कि भय में डाला गया व्यक्ति अभियुक्त की उपस्थिति में हो और इस प्रकार उस व्यक्ति की या किसी अन्य व्यक्ति की को तत्काल मृत्यु, तत्काल उपेति, तत्काल सदोष अवरोध का भय देकर उद्यापित किया गया हो और उस व्यक्ति को उसी समय और वहीं पर चीज परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित किया गया हो, तब जो है यहाँ पर अपराध लूट का होता है। अगर टाइम दूरी बहुत ज़्यादा है, उपस्थिति नहीं है और भले ही तत्काल मृत्यु, तत्काल उपस्थिति, तत्काल सदोष अवरोध हो, लेकिन उपस्थिति नहीं है, उपस्थिति होनी जरूरी है तो अपराध नहीं होगा। जैसे कि ए और ए का पुत्र बी सड़क पर जा रहे थे और वहां अभियुक्त ने ए के पुत्र बी पर पिस्तौल तान दी कि जो भी तुम्हारे पास पर्स में है वो निकाल के दे दो या पूरा पर्स दे दो वरना तुम्हारे पुत्र को गोली मार दूंगा। वह तुरंत ये उपस्थिति है और तत्काल मृत्यु का भयकारित है, तत्काल उपपत्ति का भयकारित है और उसी समय और वहीं पर वह पर्स निकाल कर अभियुक्त को दे देता है। तो यहां अभियुक्त ने लूट का अपराध किया है, उद्यापन द्वारा लूट है। ऐसा भी हो सकता है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था आपसे कि ए अभियुक्त ने बी को धमकी दी कि तुम्हारा पुत्र, फोन पर धमकी दी फोन पे या पत्राचार के माध्यम से कि तुम्हारा पुत्र मेरी टोली के हाथों में है, यदि तुमने एक घंटे के अंदर 1,00,000 रुपए नहीं दिए तो मेरी टोली के लोग जो है उसको मार देंगे। तो यहाँ पर यह लूट नहीं है, यह उद्यापन है और इसी रूप में दंडनीय होगा। यहाँ लूट के अंदर दंडनीय नहीं होगा क्योंकि यहाँ उपस्थिति नहीं है, उपस्थिति होनी जरूरी है। तत्काल मृत्यु, तत्काल उपपत्ति, तत्काल सदोष अवरोध का भय कारित करना आवश्यक है और वह चीज उसी समय और वहीं पर परिदित करने के लिए अभियुक्त द्वारा उस व्यक्ति को उत्प्रेरित किया गया हो या किसी अन्य व्यक्ति को उपपत्ति कारित करने के तो वही उत्प्रेरित किया गया हो, तभी जो लूट का अपराध सज्जित होता है। उसके बाद इसमें दंड जो है 392 में जो है लूट के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। इसमें जो है 10 वर्ष तक का कारावास हो सकता है अगर लूट साबित होती है। अगर रात्रि में राजमार्ग पर लूट की गई है तो वहां पर 14 वर्ष का कारावास होगा। लूट का प्रयास जो है सेक्शन 393 के अंदर दंडित किया गया है, इसमें 7 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। अगर उपपत्ति करते समय लूट करते समय स्वेच्छा उपपत्ति भी कारित की गई है, चोट भी पहुंचाएगी उसको, तो वहां अभियुक्त जो आजीवन कारावास से दंडित होता है सेक्शन 394 के अंतर्गत। इस प्रकार से लूट का क्वेश्चन जो है अधिकतर प्री एग्जाम में और मेंस एग्जाम में अधिकांशतः पूछा गया है। बहुत सी बार मेंस एग्जाम पूछने के चोरी के आवश्यक तत्व बताइए और ये बताइए कि चोरी लूट में कब परिवर्तित हो जाती है, तो चोरी के आवश्यक तत्व है और यहाँ पर सेक्शन 390 का पैरा 2 के अंतर्गत जो है उसके आवश्यक तत्व है और उसको डिफाइन करना आवश्यक होता है। धन्यवाद आज के लिए।